वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज सुबह से लेके मतलब कल रात से ही बारिश जो शुरू हुई है वो रुकी नहीं है अभी तक, और अभी भी बाहर इतना बारिश आ रहा है, रुकी नहीं रहा है। ए मुझे अंदर से बाहर निकालो, अंदर से बाहर निकालो। देखो कितना वेदर ठंडा ठंडा हो गया है और ठंडी भी लग रही है और अभी बारिश हो रही है और इतने जोरों से बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। और समीर और मम्मी कर रहे हैं कटा साफ, क्योंकि वो हम बाहर जाते हैं तो पैर आते हैं इसलिए। देखो कितनी बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश है, बारिश ही बारिश है, बारिश ही बारिश है। वो नीचे फेंकना, नीचे फेंक, नीचे फेंक, मेरी चप्पल गीली ना को करो। हटो जी, हटो, दीदी को हटो बोला। हटो दीदी, हटो हटो। देखो बारिश वेदर, देखो अच्छा है पर ठंडी लग रही है, पर ना बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो चिपचिपा चिपचिपा लगता है ना, वैसा टाइप में। तो चलिए अभी मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो किचन का काम खत्म हो गया है क्योंकि आज है फ्राइडे, फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है क्योंकि हम कर रहे हैं पूजा। तो मम्मी ने बनाया है छोले की सब्जी, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है और आज मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरा फास्ट है। और यहाँ पे बनाई है चपाती मैंने, और झाड़ू पोछा तो समीर भैया कर लेते हैं, और अभी मेरा रूम क्लीन करना बाकी है क्योंकि मैं करने बैठ गई थी वीडियो एडिट। तो हम बाहर से आए और वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं कर रही थी वीडियो एडिट और फिर मैंने रूम क्लीन नहीं किया, मैंने चपाती बना ली, वीडियो एडिट करके डाल दिया है। तो आप जल्दी जल्दी जाके देख लीजिए, हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया है। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना रूम क्लीन, फिर उसके बाद मैं कर ली नहा लेती हूँ, फिर करती हूँ पूजा। तो चलिए अभी रूम क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा गंदा करके जाते हैं ये। देखो इन्होंने अभी यहाँ कपड़े छोड़ के गए हैं, ये इनके कल के कपड़े धुले हुए प्रेस करना है, और कल हम बाहर गए थे तो ये कपड़े मैंने यहाँ रखे क्योंकि बाहर से आते ही मैं कपड़े अलमारी में नहीं रखती क्योंकि बारिश थी और वो थोड़ा सा स्मेल लग जाता है। तो एक तो वॉश करके रखूँगी या फिर उसको अच्छा सूखा के रखूँगी, नहीं तो वो अलमारी में बहुत गंदा स्मेल आता है। तो मैं ये समेट लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सारे कपड़े क्योंकि बाहर बहुत बारिश आ रही है तो ये कल के कपड़े आज के दिन में बाकी है। हे फैमिली वेलकम बैक, और अभी नहाना वगैरह हो गया है, यहाँ पे मैंने पूजा के सारे बर्तन धो के रख लिए हैं, और यहाँ पे मैंने तले हैं आलू पापड़ और चिप्स। इसकी रेसिपी मेरे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये घर में बनाए हैं, तो आज मेरा और मम्मी का फास्ट है तो इसलिए चिप्स बनाए हैं, साबूदाना आज नहीं बना रहे हैं और मुझे याद भी नहीं रहा कल डालने के लिए, और इसलिए हम दही और चिप्स ही खाएंगे। और ज़्यादा साबूदाना खाने से पेट में दर्द होता है इसलिए हम अवॉइड करते हैं। तो चलिए अभी पूजा कर लेती है और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हे फैमिली, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ड्रेस जो हमने मीशो से ऑर्डर किया था, अभी वो आ गया है। तो ये है वो ड्रेस, इसके जो डिटेल्स है कैसे बाय करना क्या करना और इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और इसका प्राइस है 740 रुपीज़, और दिखने में बहुत ही अच्छा और एक पार्टी वेयर ड्रेस है तो उसी के लिए हमने इसे मंगवाया था। तो मैं आपको आज इसका रिव्यू करके बता रही हूँ ये ड्रेस कैसा आया है। तो ये ऐसे एक नॉर्मल पैकिंग में, और ये ऐसे पैकिंग में आया है, हमने आते बराबर निकाल के देख लिया। तो ये ऐसे पैकिंग में आया है और इसके साथ में ये आया तो ये निकल गया है, अगर किसी का निकल गया तो आप स्टिच करवा सकते हैं, नहीं तो आप रिटर्न भिजवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। तो जिसका ओरिजिनल जो फोटो है मैं साइड में लगा दे रही हूँ जैसे हमने मीशो में देखा था। तो ये एक वाइन कलर का एक ड्रेस है और इसमें ऐसे बलून स्लीव दिए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इसका फैब्रिक है ऑर्गेन्जा, और यहाँ पे एक ऐसा पैच दिया है जो कि हाथ में यहाँ तक जैसे नहीं हम बैंगल्स पहनते वैसे आते हैं, और इसको बटन्स दी है वाइट कलर की, और इस पर पूरा जो ये काम है ये पेंट है वाइट कलर का और हल्का गोल्डन कलर का, उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन से पेंट किया है, और साथ ही में यहाँ पे वाइट बटन दिए हैं 5, और यहाँ पे ऐसे लुक्स हुक्स बटन फंसाने के लिए दिए हैं।
और यहाँ पे एक फॉइल प्रिंट दी है गोल्डन कलर की, और ये पूरा बलून पैटर्न में है जो स्लीव्स है वो। ये स्लीव्स है पूरे ऑर्गेंजा के, ऑर्गेंजा फैब्रिक के, और ये जो है कॉटन मिक्स है, प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स है। कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट कपड़ा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसका नेक। नेक दिया है नॉर्मल जो हम यू शेप बोलते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे लगाई है ये गोटा पट्टी लगाई है। इसके बाद ये पेंट है वाइट कलर का, और साथ ही में यहाँ पे भी एक गोटा पट्टी नहीं बोल सकते, फैब्रिक का ही कपड़ा है जिसमें गोल्डन फॉइल प्रिंट किया है। और साइड में लगाई है गोटा पट्टी, एक सिल्वर कलर की समोसे वाली लेस लगाई है, और ये पूरी गोटा पट्टी है। ये विजिबल है, ये भी विजिबल है, ये पट्टी है और ये पेंट है। और एक ऐसा यू शेप में एक बहुत ही अच्छा यूनिक और बहुत ही क्यूट डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और नेक भी डीप है, जो जिनको एकदम ऐसे पैक नेक वाले ड्रेस पसंद नहीं है, जिनको अच्छे विजिबल नेक वाला जो ड्रेस चाहिए उसके लिए बहुत अच्छा है। सेम इसी तरफ भी एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक से स्लीव दी है, दोनों भी स्लीव सेम है, दोनों में सेम वर्क किया है, दोनों में सेम बटन्स लगाए हैं। देन हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से पूरा एक प्रिंटेड कपड़ा है वाइट कलर का, पूरा प्रिंटेड है, देखिए पूरा प्रिंटेड है, फ्लेयर भी अच्छा खासा दिया है। ये पूरा आगे से भी प्रिंटेड है, पीछे से भी प्रिंटेड है, बट जो ये ऊपर का जो पोर्शन है इतना ये प्रिंटेड नहीं है, और ये प्रिंटेड है पूरा। नेक्स्ट है बॉटम की तरफ, जैसे हमें काम जो काम हमें स्लीव्स में दिखा वही काम यहाँ पे दिया है। इसमें सिल्वर गोल्डन कलर की पेंट की गई है, यहाँ पे फॉइल प्रिंट लगाई है बारीक सी लेस, और बाकी वाइट कलर से ऐसे खूबसूरत सा बहुत ही सुंदर सा ऐसा डिज़ाइन बनाया है। और लास्ट में यहाँ देखिए, यहाँ भी गोल्डन कलर का है, यहाँ वाइट कलर का है। ये है ओवरऑल ये ड्रेस, ये आगे से है, ये ऐसा पीछे से। नेक्स्ट इसमें दिया है ऊपर की तरफ डोरी, जो यूजुअली हम ब्लाउज में वगैरह लगाते हैं डोरी, तो ये यहाँ डोरी दी है यहाँ पे। और साथ ही में दिए है उसके टेसल्स, टेसल्स भी बहुत ही सुंदर दिए है सिल्वर कॉम्बिनी वाइट कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ड्रेस पूरा सिल्वर और वाइट कॉम्बिनेशन में है, और हल्का सा गोल्ड है, तो मैं इसे टाई कर लेती हूँ। प्राइस इसका हमें पड़ा है 740 रुपीज़, वर्थ है ड्रेस के अकॉर्डिंग, बट इसमें हमें क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताती हूँ, तो आप वो अवॉइड कर सकते हो तो बाय कर सकते हो। तो ये एक टेसल्स है, ऊपर की तरफ डोरी दी है सेम कलर की, और ये बहुत ही खूबसूरत से ऐसे टेसल्स दिए हैं ऊपर। और उसके बाद जो जिनको ये बैक में पहनना है बांधना है वो बैक में बांध सकते हैं, या फिर जिनको फ्रंट में साइड में बांधना है वो वहाँ बांध सकते हैं। तो ये एक टेसल्स यहाँ दिया है, तो ये बैक में बांधा तो ओवरऑल लुक ऐसा आएगा, देखिए ओवरऑल लुक ऐसा आएगा, बैक में बांध सकते हैं, सामने भी बांध सकते हैं, साइड में बांध सकते हैं। और बैक में बांधा तो थोड़ा फिटिंग अच्छा आता है जब हम ड्रेस पहनते हैं। तो ये रहा ये ड्रेस के बारे में अच्छी बातें, और मैं इसे ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ कैसा है। प्रॉब्लम ये है जो इसका फ्लेयर है, ठीक है फ्लेयर जो है वो ठीक है, देखिए अच्छा खासा फ्लेयर है। जो फ्लेयर होता है ना जब हम टेलर फ्लेयर स्टिच करते हैं, हम करवाते हैं या फिर करते हैं, तो जो फ्लेयर है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इसका फ्लेयर जो बराबर से नहीं आया है, एक साइड ऊंचा, एक साइड नीचा, और एक साइड से ये एक साइड जा रहा है, मतलब ड्रेस जो है प्रॉपर बराबर शेप में सिलाया नहीं गया है। हो सकता है इसी ड्रेस के वक्त नहीं सिला हो, या फिर सारे भी ऐसे आते हो। तो ये एक ही प्रॉब्लम है इस ड्रेस में कि जो ये इसका जो सर्कल है, जो हम घेरा बोलते हैं अम्ब्रेला घेरा, वो प्रॉपर नहीं है, जो कि एक साइड से जो हम पहनते हैं एक साइड से ऊपर आ रहा है, एक साइड से नीचे जा रहा है, स्लोप हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही गंदा लुक देता है। हम इतने पैसे दे के ड्रेस खरीदते हैं तो वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जो घेरा है वो नहीं है, इसकी वजह से हम ये वापस कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि लुक नहीं आ रहा है ड्रेस का। बाकी मटेरियल क्वालिटी अच्छी है, पैटर्न अच्छा है, पैसे के अकॉर्डिंग ठीक है, जो आजकल मिलता ही क्या है यार, तो भी पार्टी वेयर एक अच्छा ड्रेस है। और मैं वेयर कर रही हूँ तो मुझे फ्लोर लेंथ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया था कि फ्लोर लेंथ तक है,
पर थोड़ा ऊपर आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट घेरा, कि ये घेरा अच्छे से नहीं सिलवाया है। एक साइड से फ्लोर लेंथ है, एक साइड से ऊपर है, तो आप ट्राई ऑन में देख लीजिए। और ड्रेस का कलर और जो पैटर्न है वो बहुत खूबसूरत है, आप इसे बिंदास खरीद सकते हैं, बट आप वो घेरा देख लीजिए। रिटर्न पॉलिसी है तो हम रिटर्न करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी मस्त वीडियो ब्लॉग या फिर हॉल में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।